नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितेश पाटीदार। आप देख रहे हैं एसके न्यूज नेटवर्क। इस वक्त बाबा बागेश्वर धाम को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। जी हां, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश पाटीदार फोनलाइन पर जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने यहां बाबा बागेश्वर धाम को क्लीन चेक दे दी है। वो क्या है जानकारी पूरी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बाबा बागेश्वर धाम, जो जनता का दिव्य दरबार लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं और कागज पर अपना उसका पूरा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं, ऐसा दावा वो करते हैं। और ये कुछ मीडिया में आपने देखा भी होगा कि ये सच है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विवाद उठा था नागपुर से, वो विवाद 4 दिनों से चल रहा था लगातार। लेकिन निर्मूमन समिति द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर आज का आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथ फोन लाइन पर सतीश पाटीदार जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, क्या है पूरी जानकारी? बाबा बागेश्वर धाम पर आरोप लगे थे कि आप अंधविश्वास, जो नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है और कहा है कि वो अंधविश्वास बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। और नागपुर पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, हम आपको बता दें नितेश, कि उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि हमने 5 से 6 घंटे सभी वीडियो को पूरी तरीके से देखा है और कहीं भी अंधविश्वास फैलाने का सबूत उनको नहीं मिला है। और जो निर्मूमन समिति थी, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर यह आरोप लगाया था और शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जी हाँ, देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम इन दिनों जो टीवी चैनल से मीडिया ने कही, उनका इंटरव्यू भी लिया है, क्या लगता है कहीं कहीं नागपुर पुलिस की जो क्लीन चिट मिली है, इसके बाद जो आरोप है वो बेबुनियाद लगे हैं, क्या मानते हैं? मैं आपको बता दूं नितेश, कि इससे पहले भी जब उनको चैलेंज दिया गया था तो धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी तरीके से, बागेश्वर धाम ने पूरी तरीके से उन चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश क्या करे पूरे देश की मीडिया को, उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने यह प्रूफ साबित भी किया था कि वह किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं और उनको चमत्कारी शक्तियां मिली हुई है, ऐसा वह दावा करते हैं। और जब एबीपी न्यूज के संवाददाता उनके सामने गए थे, तब एबीपी न्यूज के संवाददाता ने भी यह स्वीकार किया था कि हाँ, वास्तविकता में ऐसा होता है। जी देखा जाए कि क्लीन चिट जो मिली है पुलिस के द्वारा, यह आरोप बेबुनियाद को लेकर दी गई। जी हाँ, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि हमने 7 से 8 जनवरी दरबार से जुड़े जितने भी वीडियोस थे वो सारे वीडियो को उन्होंने खंगाले। और उन्होंने जो नागपुर का बताया है कि उनको ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई भी अंश नहीं मिला जिसका विवाद हो, और उन्होंने सीधा बागेश्वर धाम को क्लीन चिट दे दी है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।